नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज का नेक्स्ट पार्ट। ये कह रहा है कि विच ऑफ 201 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन एडिशन टू रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक वॉज इम्प्लाइड बाय केल्विन टू फाइंड द पैथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। तो 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्रोमेटोग्राफी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 202। ये कह रहा है द हर्बिसाइड DCMU किल्स वीड्स बिकॉज इट। तो 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनहिबिट CO2 फिक्सेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 203। ये कह रहा है इन डार्क रिएक्शन यानी 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 204। ये कह रहा है कि एंगल मैन 1882 ऑब्जर्व दैट मोटाइल एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड नियर एरियाज ऑफ फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा विच वेयर एल्यूमिनेटेड बाई रेड और ब्लू लाइट बट दे डिड नॉट एक्यूमुलेट नियर ए फिलामेंट इल्यूमिनेटेड विद ग्रीन लाइट फॉर्म दिस इट ही इनफेयर्ड दैट। यानी कि 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड एंड ब्लू लाइट आर मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 205। ये कह रहा है कि 205 कह रहा है द ब्रांच पैटर्न ऑफ स्टेम ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्जर फोटोसिंथेसिस प्लांट इज एन एडाप्टेशन विच। तो 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइड्स मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ लीव्स टू लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 206। ये कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर रेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 207। ये कह रहा है केल्विन एक्सपोज्ड क्लोरेला सेल्स टू C14O2 एंड लाइट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड द C14 अपीयर्ड इन 3 कार्बन कंपाउंड्स। ए शॉर्टर एक्सपोजर शोड द C14 इन ए 5 कार्बन कंपाउंड्स। ए लार्जर एक्सपोजर शोड द C14 इन ए 6 कार्बन कंपाउंड्स एंड इन स्टार्च द सजेस्ट। 207 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार्च इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 208। 208 कह रहा है कि नेम द एंजाइम विच चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ O2। 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? RuBP कार्बोक्सिलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 209। ये कह रहा है द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज। 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? PEPA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 210। ये कह रहा है द एक्सेस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। तो 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 211। ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज। तो 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाइट इज नॉट अवेलेबल एट नाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212। ये कह रहा है इन C4 प्लांट्स इनिशियल CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। तो 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेसोफिल सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213। ये कह रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड इन 1883 बाय। तो 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? TW एंगलमैन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214। ये कह रहा है हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड बाय द C4 प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 215। ये कह रहा है ग्रीन प्लांट कैन हैव फोटोसिंथेसिस वेन प्रोवाइडेड ए वेवलेंथ अप टू। तो 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 700 nm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 216। ये कह रहा है अंडर इलेक्ट्रिक लाइट फोटोसिंथेसिस। तो 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल अकर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 217। ये कह रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय। तो 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाय बोथ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 218।
ये कह रहा है इन्फॉर्मेशन ऑफ थ्री पीजीए इन केल्विन साइकिल द सोर्स ऑफ कार्बन एटम्स इज, तो 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 ओनली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 219, कह रहा है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर नीडेड फॉर द रीजनरेशन ऑफ RUBP इन द डार्क रिएक्शन। तो 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज रिक्वायर्ड टू रीजनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ RUBP ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 220, ये कह रहा है विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 221, ये कह रहा है कि बबल्स ऑफ गैस जनरेटेड बाई एलोडिया और स्पायरोगायरा आर। तो 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 222, यानी कि 222, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट अकर इन सर्टेन। तो 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C4 प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 223, ये कह रहा है हु फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूबेन एंड कॉमन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 224, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाई केल्विन साइकिल। तो 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिडक्टेड कार्बोक्सिलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 225, ये कह रहा प्लांट आर नोन एज प्यूरिफायर्स ऑफ एयर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ। 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 226, ये कह रहा है कीमो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इन प्लेस ऑफ वाटर यूज अदर डोनर्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज। तो 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अदर डोनर्स आर इजिली अवेलेबल इन द ग्रोइंग मीडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 227, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट C4 टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। 227 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C4 साइकिल इज एडजंक्ट टू केल्विन साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 228, ये कह रहा है फोटो ऑक्सीडेशन रिफर्स टू। तो 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन फोटोलिसिस ऑफ वाटर लाइट induced breakdown of a substance in the presence of oxygen. Option D is right answer, यानी कि all above the right answer of this question. Now move question number 229, the most plants are green in color because. तो 229 का right answer क्या हो जाएगा, chlorophyll is least effective in absorbing green light is right answer of this question. Now move question number 230, ये कह रहा है कि ये कह रहा है द टू एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3 एंड C4 प्लांट्स रेस्पेक्टिवली आर। तो 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, RUBP कार्बोक्सिलेज एंड PEP कार्बोक्सिलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 231, ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन नेसेसरी पिगमेंट्स एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय। तो 231 का राइट आंसर रिजोनेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 232, ये कह रहा है इन विच ऑफ the following plant types so both PEP carboxylase and RUBP carboxylase are present in the cell chloroplast. तो 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C4 plants is right answer of this question. Now move question number 233, ये कह रहा है C4 plants have higher net photosynthetic rate because. तो 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव नो फोटोरेस्पिरेशन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव 234 कह रहा है फोटोसिंथेस्टिक एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स। 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ये मैग्नीज एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 235, ये कह रहा है द आइसोटोप्स दैट हैव प्रूव्ड यूजफुल इन रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस आर। तो 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C14 एंड O18 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 236, एक है रूबिस्को, यानी कि RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ए प्रोटीन विच कंप्राइजेज, यानी कि 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16% ऑफ टोटल क्लोरोप्लास्ट पोर्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 237, एक कह रहा है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ। तो 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400 टू
700 नैनोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 238 ए कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन विद इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकांड्रिया इज एक्सप्लेन बाय। तो 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ माइकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 239 ये कह रहा है कि NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू। 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटो सिस्टम। सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 240 ये कह रहा है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड वे आर डिस्कवर्ड बाई। 240 का राइट आंसर रॉबर्ट एमर्सन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 241 ये कह रहा है कि एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन। तो 241 का राइट आंसर स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 242 ये कह रहा है विच रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब मैक्सिमम बाई ग्रीन प्लांट। 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400 to 450 इज राइट आंसर। एंगस्ट्रॉम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 243 ये कह रहा है रेंज इन एटॉमी इज फाउंड इन। तो 243 का राइट आंसर मोनोकॉट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 244 ये कह रहा है PEP इज फाउंड इन, यानी कि 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C4 प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 245 ये कह रहा है कि C4 प्लांट रिक्वायर्स। तो 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेसर CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 246 ये कह रहा है कि मैक्सिमम CO2 फिक्सेशन इज डन बाय। तो 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइटोप्लैंकटन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा है कि CO2 फिक्स एनुअली थ्रू फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 × 10^13 kg इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है विच एंजाइम इज मोस्ट एबंडेंटली फाउंड ऑन अर्थ। 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूबिस्को इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 249 ये कह रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स अंडर विच कंडीशन। तो 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनारोबिक और एरोबिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 250 ये कह रहा है कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस इज। तो 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 251 ये कह रहा है अंडर नॉर्मल फील्ड कंडीशन विच वन इज द लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। तो 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 252 ये कह रहा है फॉर स्टडी ऑफ C3 साइकिल एक्सपेरिमेंट्स वेयर परफॉर्म ऑन। तो 252 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरेला असेनेंडेसमस, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 253 ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द केल्विन साइकिल अकर्स टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 253 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 254 ये कह रहा है कि विच पिगमेंट इज प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोफिल ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 255 फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 256 ये कह रहा है नंबर ऑफ ATP एंड NADPH2 कंज्यूम्ड ड्यूरेशन फिक्सेशन ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल इन केल्विन साइकिल। तो 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 3 ATP एंड 2 NADPH2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स ए केल्विन साइकिल इज रिपीटेड टू फॉर्म ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो 257 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 257 का राइट आंसर 6 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 258 ये कह रहा है इन द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, PGAL इज फॉर्म्ड CO2 इज फिक्स्ड ATP इज कंज्यूम्ड ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 259 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ C4 प्लांट्स। 259 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुगर केन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 260 ये कह रहा है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन CAM प्लांट्स इज। तो 260 का राइट आंसर क्या है, PEP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 261 ये कह रहा है कि इमर्सन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो 261 का राइट आंसर
फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 262। ए कह रहा है सी ओ टू एक्सेप्टर इन सी फोर प्लांट इज, तो 262 का राइट आंसर पीईपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 263। ये कह रहा है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड आर फाउंड इन, तो 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 264। ए कह रहा है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू, तो 264 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 265। ए कह रहा है विच पेयर इज रॉन्ग, तो 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी थ्री नॉट मैच दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 266। ये कह रहा है विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप, तो 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 267। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, 267 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, O2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 268। ये कह रहा है पेप्को इज एसोसिएटेड विद, 268 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फोर प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 269। ये कह रहा है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सी4 प्लांट इज, 269 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 269 का राइट आंसर हो जाएगा माइलिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 270। ये कह रहा है फर्स्ट ट्रांजिटरी केमिकल फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड RuBPH, तो 270 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2-carboxy-3-keto-1-5-phosphoribotol इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 271। ये कह रहा था प्रोसेस इन विच एक्सेस एनर्जी इज लॉस्ट बाय लाइट वेव्स इज कॉल्ड, तो 271 का राइट आंसर फ्लोरसेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 272। ये कह रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, तो 272 का राइट आंसर बाउंड टू द थैलेकोइड मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 273। कह रहा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे, 273 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट ग्रीन इज राइट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 274। ए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, 274 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 275। दे कह द आयन नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड इज, यानी 275 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 276। 276 कह रहा है इन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोजन इज टेकन फ्रॉम, तो 276 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 277। ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ यूजेबल रेडिएंट एनर्जी एंटरिंग रिएक्शन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, 277 का राइट आंसर 35% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 278। ये कह रहा है सी4 प्लांट्स हैव एन एडवांटेज ओवर C3 प्लांट्स व्हेन द वेदर इज, तो 278 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉट एंड ड्राई इज राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 279। ए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, 279 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 280। ये कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, 280 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 281। कह रहा है RuBPH ऑक्सीजनेज इज प्रेजेंट इन, तो 281 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 282। ये कह रहा है ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर वाज शोन बाय, तो 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूबेन एंड कैमेन इज राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 283। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बोथ इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, 283 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 284। ये कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैग्नीज आयंस आर एसोसिएटेड विद, 284 का राइट आंसर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 285। ये कह रहा है Cu इज प्रेजेंट इन, यानी कॉपर इज प्रेजेंट इन, 285 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 286। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन डज नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, 286 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज राइट आंसर
अब दिस क्वेश्चन नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 287 ए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद CO2 फिक्सेशन। 287 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केल्विन साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 288 ए कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस देयर इज, यानी कि 288 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 289 ए कह रहा है रूबिस्कू इज एन एंजाइम फॉर, तो 289 का राइट आंसर CO2 फिक्सेशन इन डार्क रिएक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ 290 ए कह रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस, तो 290 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NADPH इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 291 ए कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटू फूड स्टफ्स, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द फर्स्ट सबस्टांस दैट ए ग्रीन प्लांट्स मेक्स इन फोटोसिंथेसिस। 291 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल शुगर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 292 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि 292 का राइट आंसर रोडोस्फेरुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 293 कह रहा है द टैपरिंग सेंटर ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट इज, तो 293 का राइट आंसर क्या हो जाएगा P700 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 294 ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक वाज यूज्ड, यानी कि 294 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ पैथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 295 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न फोटो फॉस्फोरिलेशन, तो 295 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एरो लाइट एनर्जी टू फार्म, यानी कि ATP जो मेड अप ऑफ ATP यानी कि इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 296 ये कह रहा है विच फंक्शंस ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन आर प्राइमरली ऑब्जर्व बाई कैरोटीनाइड ऑफ हायर प्लांट, 296 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वायलेट एंड ब्लू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 297 ये कह रहा है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व, 297 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट इज वन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 298 ये कह रहा है इन C4 प्लांट सिंथेसिस ऑफ शुगर्स फाइनल CO2 फिक्सेशन अकर्स इन, तो 298 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बंडल सीथ सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 299 ये 299 कह रहा है कि डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया यानी कि DCMU इज, यानी कि 299 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इनहिबिट ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 300 ए कह रहा है लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन, तो 300 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ADP कन्वर्टेड इनटू ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 301 ये कह रहा है कि हैज एंड स्लैग साइकिल इज फाउंड इन, यानी कि 301 का राइट आंसर क्या हो जाएगा C4 प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 302 ये कह रहा है क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, 302 का राइट आंसर 12% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 303 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजियोस्पर्मिक स्पोरोसाइप्रोफाइट्स, यानी कि 303 का राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूसिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 304 ये कह रहा है विच इज कॉमनली नोन एज इंडियन पाइप, 304 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मोनोट्रोपा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 305 ये कह रहा है विच प्लांट इज टोटल रूट पैरासाइट, तो 305 का राइट आंसर ब्रूम रेप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 306 कह रहा है कि कार्निवोरस प्लांट कैच द इंसेक्ट इन ऑर्डर फुलफिल रिक्वायरमेंट, तो 306 का राइट आंसर नाइट्रोजन इज राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 307 ये कह रहा है विच इज नॉट इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो 307 का राइट आंसर मोनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मोनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 308 ये कह रहा है विच इज डेविल्स बूट प्लांट्स, 308 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सैरेसिनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 309 ये कह रहा है माइकोराइजा इज एग्जाम्पल्स ऑफ,
थ्री जीरो नाइन का राइट आंसर क्या हो जाए, सिम्बियोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 310। ये कह रहा है सी फोर प्लांट शो इफिशियंसी इवन इन, यानी कि 310 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लो CO2 कंसंट्रेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 311। ये कह रहा है सोर्स ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे इन कैम प्लांट्स इज, तो 311 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइलिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 312। ये कह रहा है फोटोसिंथेटिकली लीस्ट एफिशिएंट रेडिएशन इज, तो 312 का राइट आंसर ग्रीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 313। कह रहा है इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देयर इज फोटोलिसिस ऑफ 12 वाटर मॉलिक्यूल, हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन आर फॉर्म, तो 313 का राइट आंसर 12 हाइड्रोजन आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 314। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन क्लोरोप्लास्ट, 314 का राइट आंसर आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 315। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंजाइम गिवन बिलो विच पार्टिसिपेट इन द रीजनरेशन फेज ऑफ केल्विन साइकिल, तो 315 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 316। कह रहा है सोलराइजेशन इज, तो 316 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 317। ये कह रहा है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन यानी PAR हैज द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ, 317 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400 to 700 nm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 318 कह रहा है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर नीडेड फॉर नेट प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर बाई C4 प्लांट, 318 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 318 का राइट आंसर हो जाएगा 12 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 319। ये कह रहा है द एंजाइम इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज, तो 319 का राइट आंसर PEP कार्बोक्सिलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 320। ये कह रहा है विच इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉमन टू बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, 320 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 321। 321 कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करी, तो 321 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर यानी कि ए का पांचवा हो जाएगा और बी का तीसरा हो जाएगा और बी का तीसरा, सी का पहला हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 322। ए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑब्टेन इन नाइट्रोजन फ्रॉम कैप्चर्ड एनिमल आई इज नॉट इंसेक्टिवरस प्लांट, तो 322 का राइट आंसर क्या हो रहा है, यूट्रिकुलेरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 323। ये कह रहा है कि द प्लांट्स विच कैन रिफ्लेक्स CO2 रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड यूज इट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर नोन है, तो 323 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकुलेंट यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 324। ए कह रहा है कि द प्लांट कैस्कुटा सो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन, तो 324 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो फोटोसिंथेसिस एट ऑल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 325। ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस इन कैम प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस इन कैम प्लांट इन मिनिमल बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ, तो 325 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 फिक्स्ड एट नाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 325 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए यानी कि CO2 फिक्स एट नाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 326। ये कह रहा है कंडीशन हेल्पफुल इन फोटो रेस्पिरेशन आर, तो 326 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों मोर ऑक्सीजन एंड लेस CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 327 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स कॉपर बिसाइड्स आयरन, तो 327 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर
ये कह रहा है इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ कैम प्लांट सीओ टू फिक्सेसिंग ड्यूरिंग बाई अकर थ्रू 3 to 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3 to 9। ये कह रहा है कि 3 to 9 कह रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज तो 3 to 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फेरिडॉक्सिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 330। ये कह रहा था फर्स्ट सिस्टम इन फोटोसिंथेसिस इज तो 330 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 331। ये कह रहा है हु डिस्क्राइब कैम पैथवे फॉर फर्स्ट टाइम तो 331 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हैज एंड स्लैक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 332। ये कह रहा है विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ यानी 332 का राइट आंसर क्या हो जाएगा रूबिस्को इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 333। ये कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक एनहांसमेंट विद फ्लैशिंग लाइट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई ट्रिपल थ्री का राइट आंसर इमर्सन एंड अर्नाल्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 334। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फॉर रिडक्शन रिएक्शंस फॉर ऑफ फोटोसिंथेसिस आर प्रोवाइडेड बाय 334 का राइट आंसर वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 335। ये कह रहा है फोटोलिसिस ऑफ ईच वाटर मॉलिक्यूल इन लाइट रिएक्शन विल रिल्ट तो 335 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 electron and 2 proton इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 336। ये कह रहा है C4 प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम 336 का राइट आंसर इट्स मच लो कंसंट्रेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 337। ये कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ फूड इन C4 पैथवे अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ 337 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बंडल सीथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 338 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस तो 338 का राइट आंसर क्लोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 339 कह रहा है मीजोफिल सेल्स विच लिबरेट मैलिक एसिड एट नाइट टाइम वार यानी कि 339 का राइट आंसर C4 प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 340। ये कह रहा है कि इज अ कैम प्लांट्स यानी कि 340 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 341। ये कह रहा है द स्टोमेटा इन कैम प्लांट्स ओपन ड्यूरिंग तो 341 का राइट आंसर नाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 342। ये कह रहा है कि HSK पैथवे इज आल्सो कॉल्ड तो 342 का राइट आंसर क्या हो जाएगा C4 साइकिल ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 343। कह रहा है ATP प्रोडक्शन इज फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड तो 343 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फोटोफॉस्फोरिलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 344। ये कह रहा है विच पिगमेंट ऑफ प्लांट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस 344 का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोफिल ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 345। ये कह रहा है द अल्टरनेट CO2 फिक्सेशन मैकेनिज्म वाज फाउंड इन सम ट्रॉपिकल ग्रासेस बाय हैज एंड स्लैक हु वेयर फ्राम तो 345 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 346। ए कह रहा है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन तो 346 का राइट आंसर ऑसिलेटोरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 347। ये कह रहा है द एंजाइम रूबेस्को बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज यानी कि रूबेस्को एंड PEP कार्बोक्सिलेज आर एक्टिवेटेड बाई तो 347 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 348। ए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले एंड रोल इन फोटोसिंथेसिस तो 348 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 348 का राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 349। रेंज एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिप्स ऑफ 349 का राइट आंसर शुगर केन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 350। 350 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ABC and D एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन
हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। तो 350 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड बी क्या, बी क्या है, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। और बी डी क्या है, स्ट्रोमा स्ट्रोमा लैमिनरी लैग फोटो सिस्टम सेकेंड एज वेल एज एन ए डी पी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 351। 351 कह रहा है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप। तो 351 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फोर प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 352। ये कह रहा है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो 352 का राइट आंसर क्लोरोफिल ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 353। ये कह रहा है विच पिगमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। 353 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 354। ए कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट इनकरेक्ट इवेंट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। यानी कि 354 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि ओनली ऑन फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट ए टी पी एंड एन ए डी पी एच टू आर नॉट प्रोड्यूस। ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 354। 355 ए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो 355 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 356। ए कह रहा है कि पीजीए एज एज द CO2 कह रहा है पीजीए एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ। तो 356 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्गी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 357। लेकर C4 प्लांट्स आर मोर इफिशियंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट ड्यू टू। तो 357 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 358। ये कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड इज टू फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड। 358 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 358 का राइट आंसर हो जाएगा रिडक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 359। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। तो 359 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फोटो सिस्टम इज इवॉल्व इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 360। ये कह रहा है द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट इज कंपोज्ड ऑफ। तो 360 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए विद एब्जॉर्प्शन पी किन 700 nm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 361। कह रहा है इन C4 प्लांट द बंडल सीड सेल्स, यानी 361 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 362। ये कह रहा है कैम हेल्प्स द प्लांट इन, यानी कि 362 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्विंग वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 363। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 363 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन्वॉल्व्ड इन जेड स्कीम इज राइट आंसर ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 364। ये कह रहा है सेलेक्ट द रॉन्गली मैच्ड पेयर विद रिगार्ड टू C4 साइकिल। तो 364 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरली CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट PGA, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 365। ये कह रहा है ए प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट्स एंड C3 एंड C4 प्लांट। तो 365 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 366। ये कह रहा है कैस्कुटा इज एन एग्जांपल ऑफ। तो 366 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टोपैरासिटिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 367। ये कह रहा है एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो 367 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए रोडो स्पिरुलिना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 368। कह रहा है विच पिगमेंट एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो 368 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 369। ये कह रहा है विच रेंज ऑफ वेवलेंथ यानी कि NM इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी PAR। तो 369 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400-700 nm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 370। एक है द रिएक्शन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटालाइज्ड बाय।
370 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, RUBP कार्बोक्सिलेज एंड PEP कार्बोक्सिलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 371 कह रहा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, तो 371 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिकल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 372 ये कह रहा है इन फोटोसिंथेटिक द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट, 372 का राइट आंसर स्टोमर मैट्रिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 373 ये कह रहा है द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, 373 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज एंड क्लोरीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 374 ये कह रहा है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड बाई ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाई, 374 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 375 कह रहा है इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, 375 का राइट आंसर टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 374 ये कह रहा है प्लांट्स इन गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस हैज इम्प्रूव्ड वाटर यूज इफिशियंसी शोज हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर एंड हैज इम्प्रूव्ड इफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप वुड यू असाइन दैट दिस प्लांट, यानी कि 376 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 376 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि C4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 377 ये कह रहा है कि फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट यानी कि PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, यानी कि 377 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C4 प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 388 कह रहा है विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि 378 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 378 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद इन्हेंस्ड फोटोसिंथेसिस व्हाइल C4 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 379 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, 379 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, NADH इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 380 ये कह रहा है कि ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाई, 380 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 381 ये कह रहा है कि वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा इन सस्पेंशन ऑफ एजाटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाई स्प्लिटिंग लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ, तो 381 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लू एंड रेड लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 382 ये कह रहा है कि इन हैच एंड स्लैग पाथवे द ऑक्सीजन CO2 एक्सेप्टर इज, तो 382 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसको हम लोग PEP कहते हैं। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 383 ये कह रहा है इन प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज आर, यानी कि इज एंड आर, तो 383 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और इस प्रकार फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारे MCQ समाप्त हो गए, और सेशन को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। सो मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट बायोजोन चैनल।